हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अर्पिता है और आज ना हम बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट वैरायटी के जो इतने भी हमने कोरियन रामेन ट्राई कर रखे हैं एंड जितने भी मैंने ब्रांड्स ट्राई कर रखे हैं उनमें से ना एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है और वो है नोंगशिम। और नोंगशिम की ना मैंने बहुत सारी वैरायटी ट्राई कर रखी हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं ऊपर लिंक कर दूँगी। और अभी जो मैं ट्राई करने जा रही हूँ वो है नोंगशिम नियोगिरी रामेन। तो ये जो है ना, दिस इज़ नियोगिरी, काइंड ऑफ सी फूड बेस पे है, तो हम ट्राई करके देखते हैं कैसा है। इससे पहले मैंने सैमयांग का सी फूड ट्राई करा था, आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं ऊपर लिंक कर दूंगी। और अभी चलिए इसको चलते हैं, बनाते पकाते और खाते हैं, एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड कि ये कैसा होगा। और इसके साथ में मेरे पास इतने सारे रामेन है कि आई डोंट नो कि यार वो एक्सपायर हो जाएगा तो बहुत दुख हो जाएगा। और इतने सारे आई डोंट नो हाउ आई विल कम्प्लीट अराउंड 25 to 30 रामेन, लेट्स सी वॉट हैपन्स। क्योंकि और भी मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, फिर मुझे लगता है, मतलब एक होता है ना कि आइडियाज़ बहुत सारे हैं नए नए अलग अलग वीडियोस के लिए, बट उसके साथ है कि यार रामेन इतने सारे हैं एक्सपायर हो जाएंगे, तो बहुत ही जद्दोजहद और बहुत दुविधा चल रही है। तो अभी चलिए देखते हैं, जो भी करते हैं, कुछ आपके पास सोल्यूशन हो तो प्लीज़ मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड बाकी चलिए हम चलते हैं, इसको बनाते पकाते और खाते हैं, लेट्स गो। तो फाइनली रेडी है हमारा नोंगशिम का नियोगिरी। एंड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इसमें इतने सारे सीवीड्स होंगे और ये अलग से कैल्प होगा। और ये इसकी जो खुशबू थी स्टार्टिंग में, जब मैंने इसका वो पूरा पैक वैक खोला तो एकदम ना प्रॉपर सी फूड की जो एकदम पेक्यूलियर जो फ्रेगनेंस होती है ना वो आ रही थी। और अभी जो इसके नूडल्स हैं ना, ये ऐसे लग रहे जैसे उडोन नूडल्स हैं, थोड़े थिक हैं, जैसे नोंगशिम के नॉर्मल वाले होते हैं ना वैसे नहीं है, ये थोड़ी थिकनेस है इसके अंदर में। बाकी आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू ट्राई दिस, सो लेट्स डिग इन। वेरी सॉफ्ट नूडल्स, एंड इन नूडल्स में ना जो अलग से जो एक फिश एसेंस होता है ना उसका फ्लेवर आ रहा है, थोड़ा इसका थोड़ा सूपी हूँ। देखो ये प्रॉपर सी फूड बेस है, तो आप ये मान लो इसमें वो सी फूड का जो अलग पिक्यूलर जो खुशबू है, जो फ्लेवर है, वो सब आएगा, मगर बहुत ही कंट्रोल्ड है, ओवर द टॉप नहीं है। तो मतलब आपको लग रहा है जैसे आप ना ऐसे किसी ओशन वाले एरिया में बैठ के आराम से खाना वाना खा रहे हो, थोड़ा वैसा है। एंड लिटिल स्पाइसी, नॉट टू मच स्पाइसी, वेरी नाइस एंड च्यूई नूडल्स, वेरी नाइस। और इसका थोड़ा सी फूड सी वीड खा के देखते हैं, बहुत सही क्वांटिटी में इन्होंने सीवीड दिया, मतलब भर के। और ये मैं कल पे ही अलग से इसका टुकड़ा इन्होंने दिया था, ये मैं पहली बार ट्राई करके देखूंगी कि कैसा है ये। तो टेस्टलेस था, या मेरा टेस्ट इतना मुँह का स्ट्रांग हो गया कि मैं समझ में नहीं आया, पता नहीं। इसका जो स्पाइस लेवल है ना वो ऐसा है कि जो से होता है ना कि आप खाने के अंदर में आपने हल्का सा तड़का मार दिया कि उसका फ्लेवर और एसेंस आ तो रहा है, मगर ऐसा नहीं है कि वो ओवर द टॉप है, एकदम परफेक्ट है, वैसा स्पाइस है इसका। और फ्लेवर बेस में
एक तो ये सूप सूप बहुत अच्छा लग रहा है पीने में, फ्लेवर बेस में इसमें हल्का सा जैसे गार्लिक चिली का फ्लेवर आ रहा है, और जो फिश है ना, जैसे इसमें मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह पढ़े तो इसमें श्रिम्प वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सब कंबाइन करके जो इसका जो पाउडर बना है तो वो एक वो उसका एसेंस है, और बाकी जैसे अलग से आप प्रॉपर्स वो डालो, प्रॉन्स या श्रिम्स डालो तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली वेरी होलसम मील। और एक चीज़ मैं बोलूँगी, जैसे मुझे थोड़ा सा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी फूड मुझे इतना पसंद नहीं आता, मतलब मैं मुझे थोड़ा मेरे मेरे टेस्ट बड पे नहीं है, बट दिस आई लाइक इट, मतलब दिस इज़ डिफरेंट येट सटल, और इसमें फ्लेवर्स भी अच्छे आ रहे हैं। मतलब मैंने आई थिंक सामयांग का जो सी फूड ट्राई करा था वो आप देख सकते हो ऊपर, उसका एक्सपीरियंस और इसका एक्सपीरियंस इज डैम टोटली डिफरेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, तो आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं जाकर। और इसमें ये गाजर कुछ तो मुझे दिखा था, वो मुझे दिख नहीं रहा है, वो मैं देखना चाहती थी क्या है, और जब चाहिए तो नहीं दिखेगा, बट सीरियसली इसके नूडल्स की क्वालिटी इज़ डैम अमेजिंग, लाइक बहुत ही उडोन का छोटा भाई लग रहे हैं, नॉन्गचिम का बड़ा भाई लग रहे हैं, ऐसा है ये नूडल्स। क्वाइट डिफरेंट, आई डिडेंट एक्सपेक्टेड कि मुझे ऐसा फिश कॉन्सेप्ट में सी फूड फ्लेवर में कुछ अच्छा लगेगा, बट आई लाइक इट। दिस इज़ वर्थ ट्राइंग अगर आपको कुछ डिफरेंट ट्राई करना है, और आपको अगर सी फूड पसंद है, बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, कम पसंद है, मतलब सी फूड आपको मतलब इट्स यू आर आपके प्रेफरेंस में आता है, दिस इज़ क्वाइट डिलिशियस। हाँ ये रहा, ये पता नहीं क्या है, ये मैं देखना चाहती थी, फिश बिट, नाइस, वेल डन नॉन्गशिम, लिटरली वेल डन, बहुत ही अच्छा तरीके से आपने इस फ्लेवर को इन्हेंस करा है, अच्छी तरह से बनाया है, सो हैट्स ऑफ टू यू ऑन दिस थिंग, बिकॉज जो बीच का एक सॉफ्ट स्पॉट होता है ना, कि ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, एकदम ऐसा कि इंसान को अच्छा भी लगे बट उसके साथ में ये भी हो कि मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ, तो ये फ़िलहाल उस कैटेगरी में आ रहा है अभी। इसका टेस्ट मुझे अभी समझ में नहीं आया क्या है, ये केल्प का पता नहीं। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा फिशी सा वीडियो कंप्लीट होता है, कैसा लगा आपको वीडियो मुझे ज़रूर बताना, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हम जल्दी ऐसे ना बहुत सारे आई थिंक बहुत सारे रामन्स की वीडियोस और बहुत सारे अलग अलग वैरायटी की वीडियो भी लेके आने वाले हैं। बाकी मेरी जो दुविधा है ना कि इतने सारे रामन्स को मैं किस तरह से ख़त्म करूं, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और बाकी हम आपसे जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।